नहीं, तेरी माँ की तरह बह रहा हूँ मैं, सुनता ही हूँ। ये हर बार में मेरे खानदान को क्यों बीच में लाते हो तुम? हाँ, वैसे पता है मैं कहाँ गई थी? मुझे बता के गई थी? नहीं। तो फिर मेरे को कैसे पता होगा कहाँ गई थी तू? कुछ कुछ पता है। ये दादी को क्या हुआ? पता नहीं, कोई इसका स्विच दबा गया, पोता मोड़ पे आ गई है। मोड़ पे नहीं, मोड़ पे नहीं, मूड में आ गई हूँ। और ये बता, तू ये चकने जैसा मूली के कहाँ से आ रही है? मूंगफली कहीं की? दादी, आपको पड़पोता चाहिए ना? या। इसीलिए ना मैं एक बाबा के पास गई थी, उन्होंने ये तावीज दी, कहा अपने पति को पहना दो, घर में बच्चा हो जाएगा। 6-7 लाख के बांध दे। मैंने माता। अरे ऐसे मत कहो, ये तावीज किसी अरे गेरे बाबा ने नहीं, बाबा नथू खेरे ने दी है। और पता है वो कितने चमत्कार है, और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी है। अच्छा, बाबा ब्रह्मचारी है, ये तो वही बात हो गई, खुद कभी बंदूक चलाई नहीं, चले फौज को ट्रेनिंग देने। दादी, हरिया, मेरे को नहीं पहनना तेरा तावीज। दादी, आप इसे समझाओ ना प्लीज, आपके कहने से शायद इसकी आंखें खुल जाए। उसकी अपनी तो खुल नहीं रही, पेकड़ की मेरी क्या खोलेगी वो। कुछ कुछ पोता है। हे भगवान, पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो इस घर में मेरी शादी हुई? तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो जरूर पक्का कोई ना कोई किया है। बड़े अच्छे लगते हैं। खबरदार जीजा जी, खबरदार, खबरदार जीजा जी, मेरे सामने मेरी दीदी को कुछ कहा तो। तू क्या करेगा बे? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? मेरे बोलने का मतलब ये है कि मेरे सामने मेरी दीदी को कुछ मत बोलना, मेरे जाने के बाद तेरे दिल में जो है बोल देना। जीजा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चला, फिर कभी आना भी, मेरे पास टाइम नहीं है। जीजा जी, जो आपके पास नहीं है उसे टाइम नहीं, घड़ी कहते हैं, समझे? सालो, इतने दुख है, घड़ी का दे देते दहेज में मेरे को घड़ी। नहीं नहीं, दहेज लेना पाप है जीजा जी। दहेज देना तो पाप नहीं है, दे देते। क्या है, जब देखो मेरी रीति कैसे भाई की इंसल्ट करते रहते हो तुम। रीति भाई की इंसल्ट करते रहते हो। रीति रीति देख लो, रीति का अंगूठा इससे बड़ा, वो भी छटा वाला। अरे दीदी, अरे दीदी रहने दो। अरे ऐसी नोकझोंक तो जीजे साले में चलती रहती है, यही तो हमारा प्यार है। क्यों? जीजे साले में नहीं, जीजे साली में भी चलती है बे। तू तू बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, नुकसान तो नहीं करके आया मेरा कोई? अरे नहीं नहीं जीजा जी, छोटा सा शीशा तोड़ा आपका पास। कौन सा शीशा? अरे वही जो खराब पड़ा हुआ था। अबे कौन सा खराब शीशा? यार मैं कोशिश कर रहा था अपनी शक्ल देखने की उस शीशे में, मेरी शक्ल के अलावा सबकी शक्ल दिख रही है उसमें। कभी धर्मेंद्र दिख रहे, कभी सलमान दिख रहे, कभी शाहरुख दिख रहे। अबे साले, तूने मेरा टीवी तोड़ दिया। टांगे तोड़ दूंगा साले की। अबे इसको मैं अपने घर में नहीं घुसने देना। जीजा जी, इतनी छोटी सी बात में इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? अरे छोटा सा टीवी तो तोड़ा है मैंने, आपको याद है कितनी धूमधाम से हमने शादी की थी? अरे तभी मांगते एक टीवी भी दे देते हम आपको। अच्छा टीवी दे देते? हाँ। खुद की बहन की शादी का वीडियो पड़ोसियों के टीवी में लगा के देखा है। इतने भूखे नंगे लोग, 120 रुपए की खाने की प्लेट थी, इसका बाप कहता प्लेट रहने दो जी, हम लोग हाथों में खा लेंगे। ये किया इसके बाप ने, ठंडी ठंडी चीजें हमने खा ली। जब गरम गरम रसगुल्ले आए ना, वो गुलाब जामुन, मैंने पहली बार देखा बारात बिना बैंड के खाने पे नाच रही है। कंजूस, लाइट का खर्चा बचाने के लिए ना शादी दिवाली वाले दिन रखी। मैं घोड़ी पे जा रहा, रॉकेट आया, घोड़ी को जाके लगा, घोड़ी 4 किलोमीटर आगे, मैं रिक्शा में वापस आया। इनफ कंजूस कहीं के, पाजी पता है ये खर्चा बचाने के चक्कर में अपनी दादी को घोड़ी बना के उसी पे बैठ के चला आया शादी पे। तो उस पर भी कम खर्चा नहीं हुआ, 2 किलो चने खिलाए दादी को पहले।
इतना खर्चा करके भी हमें मिला क्या? ये पेंगुइन जैसे मुंह वाली बीवी। भगवान, यही मेरी किस्मत में लिखा है, उठवा ले मुझे किसी यमदूत को भेज के। ये भगवान, तूने मेरी तो कभी सुनी नहीं, इसकी तो सुन ले। भगवान, इन दोनों को छोड़ दे और मुझे उठाने के लिए यमदूत भेज दे। आप कौन है? हम यमदूत हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं किसी न किसी को उठा के ले जाते हैं। तुम्हारे घर का वारंट निकला है। पहला नाम हमें भूल गया, सरनेम याद है शर्मा। तुम में से शर्मा कौन है बताओ? शर्मा तो सारे होते हैं। अच्छा, तो आप यमदूत हैं? हाँ जी। मायसेल्फ ऋतिक, ये मेरी वाइफ है कैटरीना, ये निरूपा राय, हम फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं। तो चुप कर बालका, ये प्रोड्यूसर है, हम इसकी दो बातें सुन भी लेंगे। और तूने ज्यादा जबान चलाई ना तो गदा मार के तेरा लोमड़ी ऐसा मुंह तोड़ दूंगा मैं। आई समझ? करवाली ने बाहर वाले से बेचती, कितनी बार कहा तोते जैसा मुंह ना खोला कर। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, अंग्रेजी मीडियम? हाँ जी। ये स्क्रिप्ट में नहीं था ये। हाँ तो ये भी स्क्रिप्ट में नहीं था। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो भाई। हम कैसे मान ले कि आप यमदूत हैं? कोई आई कार्ड है? ये हमसे आई कार्ड मांग रहा है। खुद देखो, पासपोर्ट साइज की फोटो जैसी बॉडी है इसकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे हम आई कार्ड दिखाते हैं। आपका आई कार्ड है? मेरा दिल कर रहा आपका आई कार्ड अपने राशन कार्ड में जोड़ दूं। हम इनकी सेक्रेटरी है। हाँ, कौन है आप? मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे मैंने मान लिया कि ये यमदूत है, लेकिन आपकी सिंह को लकवा क्यों मारा है? एक्चुअली हम जब आपके घर आ रहे थे ना, तो हमें रास्ते में चार शरारती बच्चे मिल गए, और उन बच्चों ने ना इनकी सींग को पकड़ के मोटरसाइकिल खेलना शुरू कर दिया। इतना दबाया, इतना दबाया कि इनका एक्सेलरेटर ही टूट गया, मतलब सींग टूट गया। शुक्र है बच्चों ने इनका मोटरसाइकिल बनाया, कहीं पेट्रोल डलवाने ले जाते तो। सिंह वाली बात सुन के तो आपको यकीन आ ही गया होगा ना कि हम यमदूत हैं। बस हो गया ना, फिर वो बात ठीक हो गया। वो भी बात बस। सिंह तो यहाँ बकरियों के भी होते, तो उसको भी यमदूत मान ले हम। पर एक्सक्यूज मी, आपको हमारे वस्त्र देख के भी भरोसा नहीं हो रहा है? वस्त्र देख के तो आप मेरे को जीतू जी की हीरोइन लग रही है। एक मिनट, एक मिनट, तुमको एक और एग्जाम्पल देते हैं, हम तुम्हें हंस के दिखा देते हैं, फिर तुम्हें यकीन आएगा। हा भाई, अब ठीक है? इससे ज्यादा तो वो लड़की है, इसका मतलब उसको यमदूत मान ले। एक मिनट, एक्सक्यूज मी जीजा जी, हमने मान लिया कि आप यमदूत हैं। थैंक यू। लेकिन आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं चित्रगुप्ती हूँ। चित्रगुप्ती? ये कैसा नाम हुआ? चित्रगुप्त की बीवी। चित्रगुप्त ये क्या करते हैं? कुछ भी करते हो, आपकी तरह अपनी बहन के घर में बैठ के मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ते। लूजर। लूजर? अब बाहर के देश वाला भी मेरी बेइज्जती कर रही है। आई एम गोइंग। वैसे यमदूत जी, आप क्या गेस्ट को लेने अमेरिका भी जाते हैं? मुंह तेरा हवाई चप्पल जैसा, बातें अमेरिका की। वैसे यमदूत जी, आप यहाँ करने क्या है? हम यहाँ जान लेने आए हैं, आपकी फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हम यहाँ पे पहुंच गए। यार यमदूत भाई, अपनी फैमिली में बैठकर कोई मजाक भी नहीं कर सकता। या, या, या।
हम बहुत गंभीर स्वभाव वाले आदमी हैं, हम आए हैं तो किसी ना किसी को लेकर ही जाएंगे। अब चलिए काम करते हैं। हाँ मेरे वाले तुम ले जाओ, अपने वाले मेरे को दे जाओ। ये बात कह के आपने और भी गंभीर पाप कर दिया है। हाँ अब तुम्हारे पास एक ही मार्ग बचा है, बताओ तुम में से कौन हमारे साथ जाना चाहेगा। दादी तेरे को बड़ा शौक था ना ऊपर जाने का, चल तेरी टिकट बुक हो गई, चल। तू पहले जा। मैं चला गया तो पड़पोता पोस्ट ऑफिस से लेके आएगी तू। सुनो मेरी बात, खबरदार जो मेरी बीवी के अलावा किसी और को लेके गए तो। मैं चली गई तो बच्चा क्या तुम पैदा करोगे? और मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैंने अभी तक आईब्रोज नहीं किए। तू मरने जा रही के पार्टी में जा रही तू? और वैसे भी वहां पे बैठ के तेरा श्रृंगार नहीं करना, वो तेल वाली कढ़ाई में डालकर ना पकौड़े निकालते हुए अंकल जैसे बता रहे थे। एक बात बताइए जी, ये आजकल भी नर्क में वही प्रोसीजर है, पकौड़े वगैरह निकालते हैं आप? हाँ हाँ, एक्चुअली प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन जब से तेल का भाव बढ़ा है ना, हमने कुछ सिस्टम चेंज कर दिया है। हम एक्चुअली डीप फ्राई नहीं करते हैं, अब सिर्फ गरम तेल छिड़क देते हैं। क्या मेरी फूल जैसी बीवी के मुंह पे तेल छिड़केंगे आप? खबरदार अगर किसी ने मेरी बीवी और मेरी दादी की तरफ आंख उठा के देखा, मैं हूं शर्मा, मेरे को लेके जाओ। नहीं, मेरे पति को ले जाने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं जाऊंगा, मेरे को लेके जाओ। ये झूठ बोल रही है। होल्ड इट, अब मेरी बात सुन। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों की तरफ आंख भी उठाई तो बहुत चिली में, मेरे को ले चल, मैं चलती तेरे साथ। सिर्फ एक पोते का मुंह ही नहीं देखा ना, ये सुन चुटकन, जैसे ही पोता हो जाए ना फोटो मेल कर देना, मैं जाती हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आपकी कौन सी माँ ने वहाँ पे इंटरनेट लगाया है? ए, मेरी दादी से प्यार से बात करो। दादी तूने कैसे सोच लिया हम तेरे बिना जिंदा रहेंगे? तू नहीं जाएगी दादी? नहीं। ए, मेरे को लेके जाओ। नहीं बिट्टू, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, बिट्टू मैं जाऊंगा दादी। चिच्चा भड़क गया, चिच्चा भड़क गया। तुम्हारी फैमिली का प्यार देखकर, ये सद्भाव देखकर हमने अपना फैसला बदल दिया है। वाह, हमने अब ये डिसाइड किया है कि अब हम सबको लेकर जाएंगे। मुझे माफ कर दो, जानू मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। सॉरी बिट्टू, तेरे पैजामे में बैठ के दारू पी रही थी मैं। देखो मुझे माफ कर दो बिट्टू, मेरा बच्चा। एक मिनट, अच्छा वक्त आ गया, हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? किसी को जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, तुम्हें सोफा बिगाड़ रहा है, नीचे उतर। उतर, तू यम है। दूध हमारा सरनेम है। दूध सरनेम है? अरे जीजा जी ये पागल है, पागल, ये दोनों पागल है। देखो आगरा के पागल खाने से भागे हैं। आगरा के पागल खाने से एक होटल का जूता निकाल, जूता दरबान और एक सेक्सी वेटर्स भागी। जूता निकाल। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक काम करो। हमारी सारी फैमिली को हार्ट अटैक आने वाला था। चले अंदर से ना हंटर लेके कील लगा के अभी आए, जल्दी लेके। बात सुनो मेरी, बात सुनो। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तेरा कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी बात सुनो, तेरे पिछवाड़े पे इतने हंटर मारूंगा, बैठ नहीं पाएगा। बात सुनो मेरी, ऐसी बात नहीं है। लेके ऑलरेडी मैंने भी हाथ रखा था ऐसे, बड़ी देर से दुख रहा है मेरा हाथ, मेरी भी परेशानी समझो आप। एक दूसरी बात, आपको क्या लगता है हम इतने बड़े पागल खाने से अगर भाग सकते हैं तो इस छोटे से पागल खाने से नहीं भाग सकते? लेडी से बात तो करने दो। चित्रगुप्त, पहले तुम बाहर निकलो, कहीं ऐसा ना हो मार मार के तुम्हारी गुप्ती सुझा दे। ऑन योर मार्क, वन टू थ्री।